हाय दोस्तों, होली आने वाली है तो क्या आपने अभी तक पापड़ नहीं बनाया? तो चलिए बनाइए पापड़। आज हमने बनाया बेसन का लिज्जत पापड़। तो दोस्तों, मैंने कई प्रकार की वीडियोज अपलोड की हुई है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो मैंने मैदा पापड़ की वीडियोज अपलोड की थी, आप लोगों को बहुत पसंद आई। तो चलिए आज बनाते हैं बेसन का लिज्जत पापड़। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए मैंने एक कटोरी बेसन लिया है। हमारा बेसन बिल्कुल बारीक है, तो इसको हम एक बड़ा सा बाउल में डालेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक तो ज़रूर कीजिए। एक छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च कुटी हुई और एक चम्मच का तिहाई हींग डाल देंगे और हम नमक डाल देंगे। नमक हमें कम ही डालना है। तो सारा मसाला हमने डाल दिया है, अब हम अच्छे से मिला देंगे। तो दोस्तों, इसमें हमने मीठा सोडा भी डाला है, हमने आपको बताना भूल गए, कैमरा हमारा ऑफ हो गया था। तो इसमें एक छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो घर की रेसिपी के सामने लाल कलर का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। तो हम पानी डालकर इसका आटा लगाएंगे, हमें टाइट आटा लगाना है, सख्त आटा। तो हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, पानी हमें बिल्कुल संभल कर डालना है, थोड़ा थोड़ा करके। तो इसका हम सख्त डो लगाएंगे। तो ये देखिए, मैंने सख्त डो लगा लिया है। ये बेसन है तो थोड़ा हाथों में चिपक रहा है, हाथों में चिपके तो आप रिफाइंड ऑयल लगा लीजिएगा। तो मैंने डो लगा लिया है, इसमें रिफाइंड ऑयल लगाकर इसे हम 25 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। तो अब हम इसे ढक के रख देंगे। तो 25 मिनट के बाद हम खोलकर देख लेते हैं और हाथ को हमने साफ कर लिया है, अब तो हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो एक चकला रखेंगे और आटे को हम मसल मसल कर मुलायम कर लेंगे। इस तरह दोनों हाथों से रोल करते हुए आटे को मुलायम कर लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट करना है हमें ताकि बेलते समय ज़्यादा फटे ना। तो हम बेसन के आटा को दो भाग में डिवाइड कर लेंगे, तो आधा फाइड कर देंगे और इस वाले को दोनों हाथ की सहायता से रोल रोल करेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से दोनों हाथों से रोल रोल करते हुए हमें बिल्कुल आटा को सॉफ्ट बना लेना है। तो हमने आटा को सॉफ्ट बना लिया। इस तरह चाकू की सहायता से हम लोइयां कट कर लेंगे। चाकू से ही आप लोइयां कट करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहती है, बेलते समय फटता नहीं। तो ये देखिए, इस तरह की लोइयां मैंने कट कर लिया है। तो इसे हम रख देते हैं बाउल में और इस वाले को भी रोल रोल घुमाते हुए मुलायम कर लेंगे और उसे हम ढक देंगे। इसको भी तैयार कर लेंगे, रोल रोल घुमाते हुए सॉफ्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको और कोई सी रेसिपी चाहिए पापड़ की तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मत भूलिएगा, मैं आपके लिए वीडियोज अपलोड कर दूँगी। तो इस वाले को भी हम कट कर लेंगे चाकू की सहायता से, एक बराबर सी लोइयां कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको भी मैंने कट कर लिया है। अब इसे हम सारा रख देंगे बाउल में और एक एक लोई उठा उठा कर बेलते जाएंगे। तो एक लोई उठाएंगे और सारी लोइयां को ढक देंगे। तो इसे हम इस तरह हाथों से रोल रोल करेंगे और ज़्यादा हमें नहीं प्रेस करना है और इस तरह से हाथों से दबा देंगे, गदोरी की सहायता से चपटा कर देंगे। ये देखिए, कितनी अच्छी सी लोई हमारी बनकर तैयार है, बिल्कुल भी क्रेक नहीं है। तो इसमें सूखा आटा लगाएंगे, यानी बेसन, सूखा बेसन लगाएंगे और इसे बेलकर तैयार कर लेंगे। तो हमें ज़्यादा पतला बेलना है और आटा सख्त है, टाइट है, तो बेलने में थोड़ा समय लग जाता है। तो इसे हम बेलकर तैयार करते हैं। पहले एक पापड़ हम बेलकर तैयार करेंगे।
फिर एक पापड़ मैं आपको बेल के और दिखाऊंगी। तो सूखा आटा लगा लेंगे फिर से, तो जब चिपके तो आप सूखा आटा लगा लीजिएगा। तो ये देखिए मैं फटाफट बेल लेती हूँ। तो दोस्तों मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा आपको कौन सी पापड़ रेसिपी चाहिए। तो ये देखिए मैंने बेल कर तैयार कर लिया है। तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा है ना, तो इसका उपाय मैं आपको बताती हूँ। इस तरह का हम ढक्कन लेंगे, आप चाहे तो स्टील का ढक्कन भी ले सकते हैं जिसका किनारा थोड़ा पतला हो। तो इस तरह रखेंगे और हाथों से दबा देंगे, इस तरह दबा देंगे तो किनारों किनारों से कट जाएगा और बीच में गोल सा पापड़ हमारा बनकर तैयार हो गया है। कितना गोल गोल हमारा पापड़ बना है, बिल्कुल भी क्रेक नहीं है। तो ये देखिए इसी तरह आप भी जरूर कीजिएगा, आपके पड़ोसी भी बोलेंगे इतने गोल गोल पापड़ कैसे बनाए आप। तो ये जो थोड़ा थोड़ा बचेगा हर एक पापड़ में ही निकलेगा, तो इसे हम रखते जाएंगे, लास्ट में एक पापड़ हमारा बन जाएगा। तो इसी तरह मैं एक पापड़ और बेल कर दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से रोल रोल करते हुए दबा देंगे, बिल्कुल अच्छी सी लोई हमारी बनकर तैयार है, बिल्कुल भी क्रेक नहीं है। तो इसमें हम सूखा बेसन लगाएंगे और इसको भी हम बेल कर तैयार कर लेंगे। तो हम इसे भी बेल लेंगे फटाफट। मैं आपको स्पीड करके दिखाती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा तो आपको बोरिंग होने लगेगी देखने में। तो मैंने स्पीड बढ़ा दी है। तो ये देखिए ये भी बेल कर तैयार हो गया है और गोल गोल। आप भी इसी तरह ज़रूर बनाइएगा। तो इतना मैंने बेल लिया है, इसको मैं डाल देती हूँ पंखे की हवा में और फिर से मैं उतना जो बचा है उसको बेल कर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे हमने प्लास्टिक की सीट बिछाई हुई है और इसमें कोई तेल हमने नहीं लगाया है। तो इस पे हम डाल देंगे सारे पापड़ को जितना हमने एक बार में बेल लिया है। तो इसी तरह हम चार चार पाँच पाँच पापड़ को बेलेंगे और ला कर पंखे की हवा में डाल देंगे। तो फिर से मैंने लाई चार पापड़, इसी तरह हम सारे पापड़ को डाल देंगे पंखे की हवा में। और हमें डायरेक्टली धूप में नहीं सुखाना है इस पापड़ को, पंखे की हवा में आप सुखा लीजिए या तो रात भर के लिए छोड़ दीजिए, बिना पंखे की हवा में फिर भी सूख जाते हैं। तो मैंने सारा पापड़ बना लिया है, ये देखिए। तो एक दो घंटे के बाद अलट पलट के मैंने इस तरह से पापड़ को सुखा लिया है। अब इसे हम 20-25 मिनट के लिए धूप दिखा देंगे। तो सारा पापड़ हम इकट्ठा कर लेंगे। तो दोस्तों कितने अच्छे हमारे पापड़ बने हैं, इसी तरह का तो होता है मार्केट वाला पापड़। तो आप बनाइए घर पे लिज्जत पापड़, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट पापड़ बनेंगे। ये देखिए है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। तो इसे हम अब डाल देंगे धूप में 20-25 मिनट के लिए। तो दोस्तों यहाँ छत पे हमने डाल दिया है धूप में और अलट पलट कर 20-25 मिनट हमने सुखा लिया है। अब फिर से हम पापड़ को इकट्ठा कर लेंगे और अब हमें बस तलना है पापड़ को। इकट्ठा कर लेंगे सारा पापड़, उसके बाद हम तलेंगे। तो हमारा पापड़ अब तैयार है, ये देखिए। अब हम चलते हैं नीचे पापड़ को तलने के लिए। ये देखिए कितने अच्छे पापड़ है, बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं है, बिल्कुल क्रेक भी नहीं है पापड़ में। तो चलते हैं नीचे। तो यहाँ गैस के पास हम आ गए हैं और ये देखिए बिल्कुल भी टूटे फूटे हमारे पापड़ नहीं हैं। अब इन्हें हम तल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड सोयाबीन ऑयल गरम कर लिया है, एक पापड़ डालूँगी। ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं हमारे पापड़। हमने सोडा डाला था, आप सोडा डालना मत भूलिएगा। आप पापड़ खार भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हो तो। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारे पापड़ फूल गए हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा लिज्जत पापड़। तो एक पापड़ मैं आपको और दिखाती हूँ तल कर। ये देखिए कितने अच्छा पापड़ है, कितना वाइट। ये खाने में ना बिल्कुल मुलायम पापड़ है,
ये देखिए इसी तरह मैं सारा पापड़ तलकर तैयार कर लूँगी। एक पापड़ मैं और दिखाती हूँ आपको तल के, ये देखिए। तो दोस्तों मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा आपको ये पापड़ रेसिपी कैसी लगी, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, 100 लाइक तो ज़रूर पहुँचाइएगा प्लीज दोस्तों। तो इसी तरह मैं सारा पापड़ तलकर तैयार कर लूँगी। तो फ्रेंड्स हमें इसी तरह सारा पापड़ तल लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारा पापड़ तल के तैयार कर लिया है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने मुलायम पापड़ हैं, बिल्कुल तुरंत ही टूट जाते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो लिज्जत पापड़ की रेसिपी, तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले पापड़ रेसिपी में।